आज देखिए चार डिफरेंट स्किन टाइप्स यानी ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए चार डिफरेंट टाइप्स के यूथफुल जेल फेस पैक्स जो आपको समर में समर के सारे प्रॉब्लम से बचाएंगे और आपकी स्किन को रखेंगे फ्रेश, हाइड्रेटेड और यूथफुल। कीप वॉचिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे, मेरी वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होंगे। और थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स से पता चलता है वीडियोस का इंतज़ार होता है आपको। तो पिछली जो वीडियो थी मदर्स डे की, वो आपको बहुत पसंद आई और आई एम सो सॉरी, बहुत सारे कमेंट्स थे कि गज़ल आपने हमें रुला दिया। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, यकीन करें। अगर मैं वो बातें आपको सुनाती ना जो उन मदर्स ने मेरे साथ शेयर की तो वाकई में बहुत दुखी होती बातें, लेकिन प्राइवेसी की खातिर मैंने सोचा कि वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी एक भरम रहे। तो बहरहाल थैंक यू सो मच, आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई। अच्छा, कुछ कमेंट्स ये भी आते रहे हैं कि गज़ल आप डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस बनाती हैं, लेकिन आपकी जो नेचुरल चीज़ों की जो आप रेमेडीज़ वगैरह जो हमारे साथ शेयर करती हैं तो प्लीज़ शेयर करती रहा करें, हमें बहुत अच्छी लगती हैं, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। तो मैंने सोचा वाई नॉट, मैं जो जो चीज़ें लगाती हूँ वो ज़रूर करूँगी शेयर आपके साथ। तो समर आ गया है और जैसे ही वेदर बदलता है, मौसम बदलता है, सीजन चेंज होते हैं, तो हमें अपनी स्किन केयर की रूटीन में भी थोड़े चेंजेस लाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अक्सर चेंजेस ला रहे होते हैं, लेकिन हम शायद इस चीज़ को कम ध्यान देते हैं कि हमारे जब स्किन किस टाइप की है हमारी स्किन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समर के प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि जब समर आता है ना, जितना हम इंजॉय करते हैं समर को, तो समर अपने साथ प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो आपकी, या आपकी सेंसिटिव स्किन हो। अगर ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करेगी, जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन का, उसके साथ फिर पोल्यूशन, फिर पसीना, ये सब मिलके आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, फिर ब्रेकआउट्स, एक्ने, ये वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स। इसी तरह से जो ड्राई स्किन होती है वो उनका मॉइस्चर एवोपरेट हो जाता है, सन में जब बाहर निकलते हैं वो लोग तो उनको ज़्यादा ड्राइनेस का एहसास होता है उनको। इसी तरह से जो सेंसिटिव स्किन होती है उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, और कुछ लोग लकी होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जिनको हम नॉर्मल स्किन भी नॉर्मली कहते हैं। तो बहुत सारे जो है वो स्किन टाइप्स जो हैं वो उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बहरहाल आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक ऐसा नेचुरल जेल। अब आप सोच रहे हो कि नेचुरल जेल क्या होता है, आप देखिएगा। नेचुरल जेल ऐसा जेल है जो इतना जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और उसका सन टैन जो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ, सन टैन आपकी स्किन से रिमूव होगा, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, हाइड्रेटेड होगी रहेगी, और आपकी स्किन जो है ना वो एक, जब हम उसको नेचुरली जेंटल तरीके से एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं, डेड स्किन रिमूव हो रही होती है, उसके वो न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन की जो बाहर की जो एक लेयर होती है वो एक बहुत यूथफुल लुक देती है। अब प्लीज़ ये नहीं कहिएगा कि आप फेस पैक्स बनाने का किसके पास टाइम है इतना, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब जब कुछ नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं सच्ची बता रही हूँ। टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंटेनेंस जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती है। चाहे घर की मेंटेनेंस हो, आप गाड़ी खरीदें, आप कोई गैजेट अपना लें, कुछ भी करें, लेकिन अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो वक्त से पहले ख़राब हो जाएगी। तो मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, हमारी बॉडी भी, हमारी स्किन भी, हमारे बाल भी इसी तरह से होते हैं कि अगर हम उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी मेंटेनेंस नहीं करते रहते हैं, तो वो वक्त से पहले एजिंग की साइंस जो है वो, प्रीमेच्योर एजिंग की साइंस जो है वो नज़र आने लगेंगी, और फिर बड़ी परेशानी होगी। और फिर आप सोचेंगे कि काश हमने शुरू से अपना ख्याल रखा होता। तो जो मुझे देख रहे हैं, तो वक्त से पहले जो अपना ख्याल रखना शुरू करें, हम एजिंग की साइंस से बच जाएंगे और हमारी स्किन हमेशा यूथफुल लुक देगी। तो इसी तरह से आज चार डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं स्किन के हवाले से, उनके लिए चार डिफरेंट टाइप्स के मैं नेचुरल जेल से यूथफुल फेस पैक्स शेयर कर रही हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएंगे, जिनका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और लेकिन उससे पहले कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ताकि आप मेरी सारी नई वीडियोस भी देख सकें। और जो मैंने पुरानी आई थिंक अराउंड 185 वीडियोज़ बनाई हैं आई गेस, तो वो सारी आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो सबसे पहले ऑयली स्किन को कैटर कर लेते हैं, उनके लिए बनाते हैं नेचुरल जेल से यूथफुल फेस पैक स्पेशली फॉर समर। अच्छे से स्क्रब के लिए जो चारों स्क्रब्स के लिए बल्कि ये जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है सेलियम हस्क, जिसे स्पागोल भी कहते हैं। इसे ना सिर्फ पानी में डालकर पिया जाता है बल्कि ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे जो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये स्क्रब के तौर पर यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, जिसे फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, और ये ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल आइडियल इंग्रेडिएंट है। और इसके अलावा ये है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर का हमें एक्चुअली जूस चाहिए होगा, तो इस तरह से आप आधा क्यूकम्बर ले लीजिए और उसको कद्दूकश कर लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। अब हाफ़ टी स्पून, सिर्फ हाफ़ टी स्पून हमें ये सेलियम हस्क यानी कि स्पागोल लेना है, और उसमें 1/4 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी में ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ 4 टीस्पून्स मैं ऐड करूँगी क्यूकम्बर का जूस। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आपको थोड़ी देर में लगेगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता से जेल का टेक्सचर जो है वो लेना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इस फेस पैक को लगाने से पहले आपको फ्रिज में रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि वो ठंडा हो जाए। जब ठंडा ठंडा आप अपने फेस पर लगाएंगे ना, कूलिंग इफेक्ट जो आपको आएगा उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, लेकिन लगाने से पहले आपको अच्छी तरह से अपने फेस को वॉश कर लेना है। फेस को वॉश करने के बाद, बहुत देर के बाद नहीं लगाना है, फेस को वॉश करके ड्राई करके विदिन 3 मिनट्स ये आपको लगा लेना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो एब्जॉर्बिंग मोड में होती है, वो उसको इसके न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर जाएगी। अब आप इसको ब्रश की मदद से अपने फेस पर लगाइए और ये जो सेलियम हस्क यानी कि स्पागोल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जेंटली जो स्क्रब करता है हमारी स्किन को, साथ साथ मुल्तानी मिट्टी जो है ये आपकी स्किन को क्लैरिफाई करेगी और ओपन पोर्स की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको साफ़ करेगी। और जो खीरे का जूस है वो आपके फेस पर एस्ट्रिजेंट का काम देगा और एक कूलिंग इफेक्ट देगा। और इसको जब आप मास्क को लगाएं तो 15 मिनट या 20 मिनट के बाद ये हल्का हल्का ड्राई होने लगेगा। जब ये ड्राई होने लगे तो उसी वक्त आपको ये हल्का हल्का सा रब करके इसे उतारना है। ये जेल की तरह से ये उतरेगा, आपके फेस से निकलेगा और आपकी जो स्किन का जो ब्लड फ्लो वो बढ़ेगा। आपकी स्किन से डेड सेल्स जो हैं वो रिमूव होंगे, इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करके बहुत ही जेंटली स्क्रब करके आपकी स्किन को बना देगा यूथफुल। अच्छा, ये मैं वॉश करने जा रही हूँ और वॉश करने के बाद मैं टॉवल से इसे ड्राई करने के बाद मैं अपना कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। आप चाहें तो कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें, कोई ऑयल लगा लें, और आप उसके बाद फील करेंगे कि आपकी स्किन कितना ग्लो कर रही है और कितनी यूथफुल लग रही है। बाय द वे, ये ख़वातीन भी लगा सकती हैं, मर्द भी लगा सकते हैं। आप पता नहीं क्यों हमेशा ही मुझे कह रहे होते हैं कि आपकी वीडियोस जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन के लिए होती हैं, फीमेल जो है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी अपना ख्याल रखें ना, आप भी लगाएं, किसने मना किया आपको, तो सारे लोग यूज़ करें। अच्छा, अब चलते हैं ड्राई स्किन के लिए बनाते हैं फेस पैक। और ड्राई स्किन के लिए जो सेलियम हस्क या स्पागोल है ये बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट का काम देगा, एक बेहतरीन जेंटल स्क्रब का काम देगा। और क्योंकि हमारी स्किन बहुत ड्राई होती है इसलिए मैं ये फुल क्रीम मिल्क, जिसमें इस तरह से बालाई, आधी बालाई आधा दूध होता है, ये हमारी ड्राई स्किन के लिए एंटी एजिंग क्लेंजर के साथ साथ ड्राई स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगी। और ये है टर्मरिक यानी हल्दी, इसमें ऐसे कॉम्पोनेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन को ब्राइटर लुक देते हैं। अब मैं 1/2 टीस्पून सेलियम हस्क यानी स्पागोल ले रही हूँ। 1/4 टीस्पून या उससे भी थोड़ा कम आप टर्मरिक या हल्दी ऐड करें, और ये है फुल क्रीम मिल्क, इसके आप 4 टीस्पून्स इसमें ऐड कीजिए और आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आप इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लीजिए ताकि ये जेल की तरह बन जाए। तो आप इसे अपने वॉश्ड फेस पर लगाइए और उसी तरह से ड्राई करें और उसी तरह से रिमूव करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ये आपकी ड्राई स्किन को हाइड्रेटेड, सॉफ्ट, सपल रखेगा, नेचुरल ग्लो देगा और बना देगा यूथफुल। अच्छा जी, अब ऑयली स्किन भी हो गया, ड्राई स्किन भी हो गया। अब वो लोग हैं जो बहुत लकी हैं, जो कुछ भी लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कॉम्बिनेशन स्किन, जिसको हम नॉर्मल स्किन भी कहते हैं, नॉर्मल और एब नॉर्मल, नॉर्मल नहीं होता है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो कॉम्बिनेशन स्किन जिन जिन की है तो उनके लिए जो है वो देखिए कौन सी इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए भी अगेन मैं सेलियम हस्क यानी कि स्पागोल यूज़ करूँगी, क्योंकि एक बहुत ही जेंटल स्क्रब के तौर पे ये काम देगा। ये है दही यानी योगर्ट, जिसका लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं उनको बहुत इजीली डिजोल्व करता है और रिमूव करने में हेल्प करता है। अच्छा, ये है ये रोज़ वाटर। अगर रोज़ वाटर आपके पास ना हो तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन से पफिनेस और इन्फ्लेमेशन को दूर करती हैं। अच्छा, ये 1/2 टीस्पून मैं स्पागोल ले रही हूँ यानी कि सेलियम हस्क, इसमें 2 टीस्पून्स मैं ऐड करूँगी योगर्ट के, और इसी के साथ में 1 टीस्पून में रोज़ वाटर का ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको और इसको फ्रिज में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा हो जाए। अगर आपको लगे कि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो गया है तो आप इसमें 1 टीस्पून या तो रोज़ वाटर या पानी ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे टेक्सचर में आ जाएगा और इजीली आपके फेस पर लग जाएगा। अब इसे आप अपने फेस पर, धुले हुए फेस यानी कि वॉश्ड फेस पर लगाएं अच्छी तरह से। ये आपकी स्किन से डेड सेल्स को इजीली और जेंटली रिमूव करेगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, एक नेचुरल ग्लो देगा, इवन टोन करेगा और बना देगा यूथफुल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा मुश्किल स्किन, सेंसिटिव स्किन की तरफ। और सेंसिटिव स्किन जो है ना, वो ऑल्दो ये सारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे सेफ़ होते हैं मोस्टली, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए भी इन चीज़ों में से भी बहुत ही माइल्ड जो चीज़ें होती हैं ना वो शेयर करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए, जिसमें कोई ज़्यादा एसिड ना हो कुछ, ताकि वो इरिटेट ना करे आपकी स्किन को। तो सेंसिटिव स्किन के लिए देखें कैसे बनेगा ये फेस पैक। इसके लिए आप ले लीजिए रोज़ वाटर, या अगर रोज़ वाटर ना हो तो फिर आप पानी यूज़ कर सकते हैं। और ये है हनी यानी शहद। हनी जो है वो सेंसिटिव स्किन के लिए एक बहुत आइडियल इंग्रेडिएंट है। ये बहुत जेंटल तरीके से मॉइस्चराइज़ करती है, ये नेचुरल ह्यूमिक्टेंट का भी काम देती है। अच्छा, ये है स्पगोल यानी कि सेलियम हस्क, जो कि बहुत ही जेंटली हमारे डेड सेल्स को रिमूव करेगा। तो 1/2 टीस्पून आप ले लीजिए सेलियम हस्क यानी स्पगोल, और उसमें आप ऐड कीजिए 3 टीस्पून रोज़ वाटर के। रोज़ वाटर में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके पफिनेस को, रेडनेस को बहुत हद तक रिड्यूस करेंगी। अच्छा, 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ इसमें हनी, क्योंकि हनी एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट का काम देती है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छी तरह से जेल बन जाए, और आप इसे अपने वॉश्ड फेस पर लगाएँ ब्रश की मदद से या फिंगर्स से। तो ये फेस पैक आपकी सेंसिटिव स्किन को बगैर इरिटेट किए एक नेचुरल ग्लो देगा और बनाएगा यूथफुल। अच्छा जी, अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, ये एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन से बहुत ही माइल्ड, बहुत ही जेंटली उस तरीके से आपकी स्किन से वो डेड सेल्स और वो इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करते हैं, और स्किन को एक यूथफुल, एक सॉफ्ट, सपल, एक फ्रेश लुकिंग आपकी स्किन हो जाती है। तो इसको लगाते रहिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, और साथ साथ जो पानी का इंटेक है उसको भी ज़रा बढ़ाना है गर्मियों में, और सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, चाहे आप कोई मार्केट से जो लेते हैं वो लगाएं, या मैंने जो शेयर किया था आपके साथ सनस्क्रीन जो नेचुरल नज़र आ रही वीडियो आपको, जिसमें SPF भी मौजूद था यानी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, जो आपको सन की हार्श रे से बचाता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाना ज़रूर है आपको। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है, इसे क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आप मेरी हर नई वीडियो देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोज़ नज़र आ रही हैं इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी।